अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, आज हम बना रहे हैं ओरियो कपकेक्स। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने इधर ओरियो पाउडर ले लिया था, मैंने ओरियो को क्रश कर लिया था जो तकरीबन थे 12 से 16 बिस्कुट थे, और मैंने दूध ले लिया है 1 कप, बेकिंग पाउडर ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून, और मैंने आइसिंग शुगर ली है जो तकरीबन है 1 कप, और ये मैंने डेकोरेशन के लिए ली है तकरीबन स्प्रिंकल्स हैं, और उसके अलावा अब ये चीज़ें हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। शामिल कर दूँगी जो तकरीबन है 1 कप, और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है उसको, जो इसके अंदर गुठलियाँ भी हैं वो भी जो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध, जो तकरीबन हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध शामिल करना है, और इसको मिक्स करते जाना है। मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने दूध शामिल करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अब देखें कि मैं इसको अच्छी तरह से, मैंने 1/2 कप दूध शामिल किया और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल करेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। पहले हम थोड़े से पाउडर शुगर शामिल करेंगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके हम सारे शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर, जितना आप मीठा चाहते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चॉकलेट शामिल करूँगी, और अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करना है। हम इसके अंदर ये फ्रॉस्टिंग जो मैंने तैयार किया बैटर, वो अंदर शामिल करेंगे। और इसके साइड में हमने ये चॉकलेट डालनी है, इसके साइड में हम ये चॉकलेट डालेंगे एक, फिर उसके ऊपर हम दोबारा से इसकी लेयरिंग करेंगे। इसको स्प्रिंकल के ऊपर गार्निश कर दिया था, अब हम इसको ओवन में रखेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, फिर इसको हम निकाल लेंगे, फिर आगे की आपको प्रोसीजर बताएंगे। कपकेक्स तैयार हैं, इसको आप सर्व कर लें।